गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पुरा। डेली करंट अफेयर की सीरीज 19 अफेयर के करंट अफेयर लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। ऑप्शन ए था जापान, ऑप्शन बी था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी था अर्जेंटीना, ऑप्शन डी था रूस। तो दोस्तों हाल ही में 3 दिवसीय भारत दौरे पर अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति है मॉरिसियो मार्की जो है भारत के दौरे पर आए हुए हैं। अब बात करें अर्जेंटीना की राजधानी की, तो अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों ब्यूनस आयर्स यहाँ की अर्जेंटीना की राजधानी है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन ए किरण पोलार्ड, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी डेरेन ब्राउ और ऑप्शन डी केम मॉडरोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिस गेल। क्रिस गेल ने दोस्तों वेस्ट इंडीज के जो सलामी बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज कह सकते हैं क्रिस गेल, इन्होंने दोस्तों हाल ही में घोषणा की है कि वो जो वर्ल्ड कप 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसके बाद वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने ओडीआई में दोस्तों 1999 में दोस्तों इंडिया के खिलाफ खेलकर इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था। बात करें दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिस गेल जो रिटायरमेंट लेने वाले वनडे इंटरनेशनल से। 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, 12वां एडिशन है ये वर्ल्ड कप का, 12वां एडिशन है जो इंग्लैंड और वेल्स में मार्च अप्रैल में खेला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अन्नदाता सुखीभव योजना 2019-20 की घोषणा की है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में अन्नदाता सुखीभव योजना 2019-20 की घोषणा की है, जिसके तहत इन्होंने घोषणा की है कि जिन भी किसानों के 5 एकड़ से कम जमीन वाले प्रत्येक किसान को दोस्तों 9,000 रुपए दिए जाएंगे, 9,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है वर्तमान में हैदराबाद, और जो इसकी जो प्रस्तावित राजधानी है वो है दोस्तों अमरावती। आंध्र प्रदेश की जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर यहाँ के ईएसएल नरसिंहमन। आंध्र प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कई बार एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी कहाँ का जो है राजकीय नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने उद्यमियों के लिए ऑनलाइन क्लियरेंस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। दोस्तों केरल गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑनलाइन क्लियरेंस मैकेनिज्म मतलब इन्होंने एक लॉन्च किया है एक के स्विफ्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक मतलब ऑनलाइन क्लियरेंस विंडो एक लॉन्च की, जिसका मतलब है कि करेला सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस। इसके अंदर इन्होंने टारगेट रखा है कि 30 दिन के अंदर किसी भी प्रपोजल को क्लियर करने का प्रस्ताव या उद्देश्य रखा है इन्होंने। बात करेंगे केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन। यहाँ के सीएम है, यहाँ के जो गवर्नर है वो है पी सतासिवम। यहाँ के जो है गवर्नर है केरल को दोस्तों मसालों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए अश्विन लोहानी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है विनोद कुमार यादव और ऑप्शन डी पीसी मोदी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि विनोद कुमार यादव है वो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने। इससे पहले जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे वो थे दोस्तों अश्विनी लोहानी। अब जो अश्विनी लोहानी है उनको दोस्तों एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बना दिया गया, अश्विनी लोहानी को। ये जो पीयूष गोयल है इनका पता ही है आपको, ये रेल और कोयला मंत्री है, और विनोद कुमार यादव हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने, अश्विनी लोहानी की जगह इन्होंने ली है। अब बात करें पीयूष गोयल को, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने एक निर्देश दिया था
अभी एक दो दिन पहले, उसमें इन्होंने कहा था कि जो इनके पास जो अतिरिक्त प्रभार दे रखा था इनको, कॉरपोरेट और वित्त मामलों का जो विभाग दे रखा था उसको अरुण जेटली जी को वापस देने का इसने रामनाथ कोविंद जी ने पीयूष गोयल को निर्देश दिया है। ठीक है दोस्तों, आज की बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी कप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जो ईरानी कप है वो संबंध है क्रिकेट से, किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ऑप्शन ए विदर्भ, ऑप्शन ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदर्भ। विदर्भ ने दोस्तों हाल ही में जो ईरानी कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है, लगातार दूसरी बार विदर्भ जो है ईरानी कप की विजेता बनी है। साथ ही बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ ने है ना दोस्तों लगातार 2 बार रणजी ट्रॉफी भी अपने नाम की है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए किस देश के पीएम या किस देश के पीएम ने रिटायर होने की घोषणा की है, इट मीन्स इन्होंने राजनीति से रिटायर होने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में दोस्तों जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो वर्तमान में जो बांग्लादेश की पीएम है वो है शेख हसीना। शेख हसीना दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है, जिन्होंने युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए आगामी चुनावों में नहीं लड़ने का फैसला दिया, इट मीन्स ये आने वाले जो अब चुनाव आएंगे उनमें ये नहीं लड़ेगी। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार कौन प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद। दोस्तों हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, वो सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये दोस्तों 2012, 14 और 2016 के जो सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं। तो 2016 के जो टैगोर पुरस्कार के लिए चुना गया है वो चुना गया है रामसुतार वास्तुकार को। इसको रामसुतार वास्तुकार को बात करें हम, अगर हम टैगोर पुरस्कार की, तो दोस्तों वर्ष 2012 से ये पुरस्कार शुरू किया गया है। जो वर्ष 2012 जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है इनकी 150वीं पुण्यतिथि थी जिस पर ये पुरस्कार शुरू किया गया था। पहला टैगोर पुरस्कार दिया गया था 2012 में, जो दिया गया था हमारे जो महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी को ये पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की जो इनामी राशि है वो है 1 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ है। ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी है 57 और ऑप्शन डी 58। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 55। दोस्तों म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, म्यूनिख म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है इसका 55वां संस्करण हाल ही में हुआ है। यह हुआ है 15 से 17 फरवरी के बीच, 15 से 17 फरवरी 2019 के बीच हुआ है और हुआ ही है जर्मनी में। कहाँ हुआ है दोस्तों, जर्मनी में। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अब इसको इसमें इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया था किसने, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पता है ना दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, हमारे अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जी ने भारत को इसमें रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला रेल ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में भारत का पहला रेल ट्रैक ट्रैक बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो ये बनाया जाएगा दोस्तों राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले के नावा में सांबर झील के किनारे, सांबर लेक जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर लेक के किनारे ये ट्रैक बनाया जाएगा। इस पर जो है भारत में बनाई जाने वाली जो ट्रेन होगी, भारत में जो ट्रेनें बनाई जाएगी उसकी टेस्टिंग और ट्रायल होगी। और जिसके जो इसके जो ट्रैक है, जो इसका ट्रैक बनाया जाएगा, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर रखी जाएगी। अब राजस्थान की अगर बात आई है तो हम राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, यहाँ के सीएम है वो अशोक गहलोत, यहाँ के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के जो गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर वो है दोस्तों कल्याण सिंह। कौन है कल्याण सिंह? कल्याण सिंह दोस्तों 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लिसिटी एंड विजडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम नामक पुस्तक, ऑप्शन ए दिनेश सहरा, ऑप्शन बी स्वामी चिदानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केसरीनाथ त्रिपाठी और ऑप्शन डी ननोदीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनेश सहरा। तो दोस्तों ये सिंप्लिसिटी एंड विजडम नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है दिनेश सहरा के द्वारा। दिनेश सहरा जी इसके राइटर है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन बी और सी में आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी और सी ये है केसरीनाथ त्रिपाठी और स्वामी चिदानंद स्वामी, इन दोनों ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, इनके द्वारा इसका इस जो सिंप्लिसिटी एंड विजडम नामक पुस्तक इसका अनावरण किया गया है। और ये किया गया दोस्तों अभी कुंभ मेले के दौरान, परमार्थ आश्रम में इसे लॉन्च किया गया था कुंभ मेले के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे फुटबॉल रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी उदंता सिंह और ऑप्शन डी अनिरुद्ध थापा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ताकि दोस्तों इससे हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसको आपके जो स्टडी ग्रुप है उसमें स्टडी ग्रुप से में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों।